हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉमस ग्रे की एक इलेजी है, इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसी इलेजी को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यह जो इलेजी है ये बहुत ही ज्यादा फेमस इलेजी है इंग्लिश लिटरेचर में, और इसको थॉमस ग्रे ने 1750 ईस्वी में स्टॉक पोजेस के एक कब्रिस्तान में बैठकर लिखा था। और जब इसको उन्होंने लिखा था तब थॉमस ग्रे की जो एज थी वो 34 साल थी। तो याद रखिए, 1750 में इसको उन्होंने लिखा था और तब थॉमस ग्रे की जो एज थी वो 34 साल थी। तो चलिए इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। द कर्फ्यू टॉस द नील ऑफ फोर्टीन डे। देखिए, कर्फ्यू मतलब होता है शाम को बजने वाली जो घंटी होती है वो कर्फ्यू, और टॉस मतलब होता है चेतावनी देना। नील ऑफ पार्टिंग डे द लविंग हर्ट्स वाइन स्लोली ओवर द ली। देखिए, वाइन्स मतलब होता है जाना और हर्ड मतलब होता है पशुओं का समूह। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉज इज वेरी वे एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। देखिए, कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं थॉमस ग्रे और इस इलेजी को वो लिख रहे हैं। तो देखिए, जब वो बैठे हैं तो शाम जब होती है तो शाम को एक घंटी बजती है। देखिए, चर्च में घंटी बजती है शाम में, और वो शाम की घंटी चेतावनी देती है लोगों को कि सभी लोग अपना काम बंद कर दो और घरों में जो रोशनियां हैं उनको बुझा दो, यानी अंधेरा कर दो। तो अब ये जो चेतावनी दे दी गई लोगों को, गाँव के लोगों को, तो जो पशुओं का समूह है, देखिए हॉर्ड यानी पशुओं का जो समूह है, वाइंस यानी वापस चला जाता है अपने झुंड के साथ, वापस लौट जाता है। और उसके अलावा जो किसान थे जो अपने घर से खेत गए हुए थे काम करने के लिए, तो किसान अपने थके हुए कदमों के साथ अपने घर वापस लौटता है और उसके पीछे पूरा अंधेरा छा चुका होता है, यानी रात होने लगती है और बादल पूरा काला काला हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो अब आ जाइए अगला स्टैंजा देखिए, दूसरा है। नाउ फेयर द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। देखिए, फेयर्स मतलब होता है गायब होना, ग्लिमरिंग मतलब होता है टिमटिमाना। एंड ऑल द एयर इज सोलेमन स्टिलनेस होल्ड। देखिए, सोलेमन स्टिलनेस मतलब होता है गंभीरता। सेव वेयर द बेटल्स व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट एंड ड्राउजी टिंकलिंग स्टार लल द डिस्टेंट फोल्ड्स सेव दैट फ्रॉम यंडर्स एवी मेंटल टॉवर द मोपिंग आउल डस्ट टू द मून कंप्लेन ऑफ सच एज वेंट्स रिंग नियर हर सीक्रेट बावर मोलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रेन। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस अगले स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं कि रात हो रही है, शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तो धीरे धीरे टिमटिमाती रोशनी भी गायब हो जाती है और मौत की तरह एकदम खामोशी छा जाती है, यानी अंधेरे में सभी लोग अपने घरों की रोशनी बुझा देते हैं और अंधेरा छा जाता है। ऐसे लगता है जैसे मौत हो गई, जैसे मौत में खामोशी छा जाती है, ठीक उसी तरह। और क्या है कि चमगादड़ भी चक्कर काटते हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, चमगादड़ भी उड़ रहे हैं। और देखिए, दूर बाड़े में सो रहे भेड़ों के गले में जो घंटी बजी हुई लगी हुई है वो घंटियां भी बज रही हैं, और जो भेड़ हैं वो भी रात में सो जाते हैं। और जो उल्लू है, देखिए, आउल डस्ट टू द मून कंप्लेन। देखिए, चंद्रमा जो है वो चमक रहा है चर्च के मीनार के ऊपर, तो जो उल्लू वहां पर बैठा हुआ है तो उसकी आंखों पे उसकी रोशनी पड़ रही है, तो वो रोशनी उल्लू को बहुत परेशान कर रही है क्योंकि उल्लू अंधेरे में ही देख पाते हैं, तो इसलिए वो बैठा हुआ उस चांदनी के विरुद्ध शिकायत कर रहा है। बिनेथ दोज रग्ड इल्स दैट ये ट्रीज शेड। देखिए, बिनेथ मतलब होता है नीचे और रग्ड मतलब होता है भद्दे और इल्स मतलब होता है जो झाड़ियां होती है, क्योंकि पोएट कब्रिस्तान में बैठ कर लिख रहा है तो कब्रिस्तान में झाड़ियां होती हैं। और देखिए, व्यूज ट्री शेड्स, देखिए इसका मतलब है कि घनी छाया वाले पेड़ हैं कब्रिस्तान में। वेयर हैव द टॉप इन मेनी ए मूल स्विंग हिप। और देखिए, कब्रिस्तान में घनी छाया वाले पेड़ हैं, तो पोएट कह रहा है
देखिए यहाँ पर पोएट ना कब्रिस्तान का एकदम सचिव वचित्र खींच रहा है कि कब्रिस्तान में घनी छाया वाले पेड़ हैं, भद्दी झाड़ियां हैं और जब हवा तेज चलती है तो वो जो पेड़ से पत्तियां टूट कर गिरती है वो सूख जाती है और सूखी हुई पत्तियां इधर उधर उड़ रही हैं। देखिए ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर ले द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमल्ड स्लीप द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मोर द शैलो स्वीट रिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड द कुक्स शील्ड क्लैरियन और द इचोइंग हॉर्न नो मोर शैल रॉज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। देखिए यहाँ पर पोएट ना कब्रिस्तान का एकदम सचिव चित्रण कर रहा है कि देखिए कब्रिस्तान है तो अब बड़े बड़े पेड़ होंगे और भद्दी भद्दी झाड़ियां होंगी, तो पोएट वही कह रहा है कि कब्रिस्तान में भद्दी भद्दी झाड़ियां हैं और घने घने पेड़ हैं और उन पेड़ों की पत्तियां जब टूट कर गिरती हैं तो सूख जाती हैं और सूखने के बाद रात में वही पत्तियां जब तेज हवा चलती है तो इधर उधर होती हैं और आवाज करती हैं और जो यहाँ पे कब्रें हैं तो कब्र जो है उसकी मिट्टी टूटकर अब कब्र में मिलने वाली है। पोएट ये कह रहा है क्योंकि देखिए जब किसी को भी दफनाया जाता है तो कुछ दिन तक वो कब्र पूरी उटी उटी सी रहती है, फिर धीरे धीरे वो कब्र धसने लगती है और जो उस पर की मिट्टी होती है, तो पोएट उसी को कह रहा है यहाँ पर कि जो मिट्टी है वो कब्र में मिलने वाली है। और उसके बाद पोएट कहता है कि जो अनपढ़ किसान इस कब्रिस्तान में इस कब्र के अंदर दफन है तो मतलब उनके लिए अब ये जो सुहानी सुबह होगी, अगली जो सुबह होगी उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। यानी कि पोएट का ये कहना है कि वो लोग मर चुके हैं और अब जो भी सुबह होगी इस सुबह का उनके लिए कोई फायदा नहीं है, कोई खुशी उनके लिए नहीं है क्योंकि वो लोग अब कभी लौट कर वापस नहीं आ सकते, वो लोग मर चुके हैं, वो लोग इस कब्र में दफन हो चुके हैं। और सुबह में देखिए स्टूडेंट्स जब सुबह होती है मुर्गे की आवाज सुनाई देती है, चिड़ियां गाती रहती हैं, गीत गाती रहती हैं, कोयल की बड़ी मधुर आवाज रहती है, तो पोएट अब कहता है कि क्योंकि अब सुबह होगी तो जो किसान अनपढ़ इसमें दफन है वो उठ नहीं सकते और सुबह के टाइम जो मुर्गे की आवाज होती है, मुर्गा जो बोलता है कुकुकू और उसके अलावा जो चिड़ियां गाती हैं सुबह सुबह सुहान अपनी मधुर आवाज में जो गीत गाती हैं, तो ये गीत भी उस अनपढ़ किसान जो इस कब्र में दफन हो चुका है तो ये मधुर गीत भी उस वो नहीं सुन सकता और न ही उनकी आवाज को सुनकर वो उठ सकता है, यानी वो मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है। तो पोएट इसी बात का शोक मनाता है इस इलेजी में कब्रिस्तान में बैठकर। अब देखिए अगला स्टैंजा है फॉर देम नो मोर। देखिए यहाँ पे पोएट का ये कहना है कि जो किसान मर चुका है इस दुनिया में अब नहीं है, द ब्लेजिंग हर्थ शॉल बर्न और बिजी हाउस वाइफ प्ले हर इवनिंग केयर नो चिल्ड्रेन रन टू लिस्प देयर शायर्स रिटर्न और क्लेम्स हिज नीड द इनवाइट किस टू शेयर ऑफ डीज द हार्वेस्ट टू देयर सिकल येल्ड देयर फरोज ऑफ द स्टबर्न ग्लेब हैज प्रो हाउ जोकन डीड दे ड्राइव देयर टीम ऑफ फील्ड हाउ बोव द वुड्स बिनेथ देयर स्टडी स्ट्रोक। अब देखिए इस स्टैंजा को समझिए यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है। देखिए फॉर देम नो मोर यानी कि जो किसान अब इस दुनिया में नहीं है, जो मर चुका है, तो कवि उसका शोक मनाते हुए कहता है कि देखिए ब्लेजिंग हॉट मतलब होता है ना स्टोव या चूल्हा, जिस जैसे घरों में जिस चूल्हा पे खाना बनाया जाता है तो यहाँ पर पोएट उसी चूल्हे की बात कर रहा है कि जो उसकी हाउस वाइफ है, जो उसकी बीवी है, जो इवनिंग केयर का मतलब यहाँ पे पोएट का कहना है कि जो घर के सारे काम करती है, जितने भी घरेलू काम है तो उसकी वाइफ करती है, तो किसान तो अब मर चुका है तो घर में उसके लिए चूल्हा नहीं जलाया जाता, यानी वो मर चुका है तो अगर बीवी उसकी खाना भी बनाएगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर बनाएगी तो क्या वो आकर खा लेगा, नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। तो इसी बात का शोक पोएट मना रहा है कि अब वो किसान मर चुका है और उसके लिए उसकी बीवी चूल्हा नहीं जलाती, अब किसके लिए जलाती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जलाती है क्योंकि उसका पति तो मर चुका है। नो चिल्ड्रेन रन, देखिए यहाँ पर अब पोएट ये कह रहा है कि जो किसान मर चुका है तो उसके जो चिल्ड्रेन हैं अब उन्हें उम्मीद नहीं है अपने पिता के वापस आने की। देखिए शायर्स रिटर्न, शायर्स का मतलब यहाँ है फादर, यानी कि पिता के रिटर्न की, वापसी की उन्हें कोई उम्मीद नहीं है,
उन्हें अपने पिता के किस की कोई उम्मीद नहीं है, चुंबन की कोई उम्मीद नहीं है कि उनके पिता आएंगे, उन्हें उठा लेंगे, उन्हें किस करेंगे। जैसे पिता जब घर पे आते हैं काम से तो कहते बच्चों को उठा लेते हैं, उन्हें चूमते हैं, तो अब उनके किसान के बच्चों को अब इसकी उम्मीद नहीं है। और जो किसान पूरे जब जिंदा था, फिर पोएट कहते कि जब किसान जिंदा था इस दुनिया में था तो वो किस तरह से पूरा दिन खेतों को जोता करता था। देखिए स्टॉप बर्न ग्लेब मतलब है ना कि बंजर, बंजर जमीन, यानी कि पोएट का ये कहना है कि का जब वो किसान जिंदा था तो किस तरह से वो हमेशा खेतों को जोतता था और बंजर जमीन में भी वो अपना हल जोत दिया करता था। हाउ जोकॉन डीड दे ड्राइव देयर टीम फील्ड हाउ बोव द वुड्स बीनेथ देयर स्टडी ब्रोक। देखिए अब पोएट कहता है कि जब किसान अपने बैलों को लेकर के खेतों की तरफ जाया करता था तो वो बड़ी खुशी से अपने खेतों की तरफ जाया करता था और वो बहुत खुश दिखाई दिया करता था। तो उसी के आज शोक पोएट मना रहा है कि किस तरह से वो मतलब बंजर जमीन में अपना रास्ता बना लेता था, किस तरह वो खेतों को जोतता था, कितना खुश दिखाई देता था, और अब वो जिंदा नहीं है, कब्र में दफन है, तो उसी का शोक पोएट इस पोएम में मना रहा है। देखिए अगला स्टैंजा है, ये स्टैंजा नंबर 5 है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, नॉर ग्रैंडियर हियर विद दे डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी द पॉम्प्स ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ इवर गे अवेट्स अलाइक द इनेविटेबल ऑर्स, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। देखिए इस स्टैंजा में अब पोएट क्या कहते हैं, देखिए आप पहले यहाँ पर आप थोड़ा मीनिंग जान लीजिए वर्ड्स की। देखिए यहाँ पर एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षी, और मॉक मतलब है उपहास, और टॉयल मतलब लेबर या मेहनत। देयर होमली, देखिए होमली मतलब साधारण, और डेस्टिनी मतलब फ्यूचर भविष्य, और देखिए ऑब्स्क्योर मतलब होता है अनिश्चित, और ग्रैंड्योर मतलब होता है रॉयल, जैसे रॉयल फैमिली होती है ना, वहां पर यहाँ पर पोएट ये कह रहा है। जैसे आप देखिए समझिए पोएट क्या कह रहा है कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, लोगों को इन ग्रामीणों की महत्वपूर्ण मेहनत का उपहास नहीं करना चाहिए। देखिए इनकी जो साधारण खुशी और अनिश्चितता भवस का सम्मान होना चाहिए, यानी पोएट ये किसानों के लिए कह रहा है कि किसानों की ये जो जिंदगी होती है साधारण सी खुशी होती है और ये अनिश्चित सा भविष्य होता है किसानों का, उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि किसानों का भविष्य ऐसा है जैसे कि किसान है जिंदगी भर खेती जोतते रहते हैं। तो यही बात कह रहे हैं पोएट कि उनका भी सम्मान होना चाहिए, राजसी लोगों को इनके सरल जीवन से घृणा नहीं करनी चाहिए। देखिए पोएट का क्या कहना है कि द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर, यानी कि देखिए पोएट ये कह रहा है कि जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, रिच होते हैं, वो गरीबों से क्या करते हैं, नफरत करते हैं कि ये हमारी बराबरी का नहीं है। तो पोएट ये कहते हैं कि हमें मतलब जो राजसी लोग हैं, रिच लोग हैं, रॉयल फैमिली के हैं, उन्हें गरीब किसानों का भी सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनसे घृणा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो धर्म है, देखिए ये जो खूबसूरती है, धन है, शक्ति है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं एंड ऑल दैट ब्यूटी, ये जो सुंदरता है, और वेल्थ यानी ये जो धन है तुम्हारी मनी है, इवर गे जैसे कि जो सारी चीजें हैं, इन सभी का घमंड एक दिन क्या है, समाप्त हो जाना है क्योंकि मौत जो है वो हर किसी को आनी है और हर कोई को मौत आएगी और सभी को कब्र में एक दिन जाना ही जाना है, सभी को कब्र में सोना ही सोना है। तो पोएट का क्या कहना है कि ये जो जिंदगी है सभी को धीरे धीरे कब्र की ओर लेकर जा रही है, इसलिए गरीब लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए, पुअर लोगों से उनका भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये जो खूबसूरती है, ये जो धन दौलत ऐशो आराम की जो पावर है लोगों की, वो एक दिन खत्म हो जाएगी और सभी को मौत का मजा चखना है और सभी को कब्र में जाना है। तो पोएट इस स्टैंजा में यही बता रहा है। देखिए ये आपका 6 स्टैंजा है। नॉर यू ये पाउंड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज,
wear through the long drawn axial and fretted vault. The appealing anthem sweeps the note of praise, can stride on all animated burst back to its mansion, called the fleeting breath. Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? अब देखिए नॉ यू यू देखिए इम्प्यूट मतलब यहाँ पे आरोप लगाना, और मेमोरी यानी कि जो मकबरे होते हैं, जो कब्र के ऊपर मकबरे बनाए जाते हैं, तो पोएट उन लोगों को ब्लेम कर रहा है इस स्टैंजा में, उन लोगों को कि जिन्होंने इन गरीब किसानों के कब्र के ऊपर मकबरे नहीं बनवाए, उन्हें मकबरे में नहीं दफनाया बल्कि बस कब्र में ही दफना दिया। तो पोएट उन लोगों को कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके ऊपर भी कब्र के ऊपर मकबरा बनाना चाहिए था, लेकिन मकबरा ना बना के उन्हें सिर्फ कब्र में दफना दिया। फिर देखिए पोएट ये कह रहा है कि उन्होंने कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया है, और कवि भी आगे बताता है कि यह मकबरा बनवाना एक खोखला घमंड है, मतलब लोगों के अंदर क्या है, एक घमंड है। फिर पोएट देखिए क्या कह रहा है कि द पीलिंग एंथेम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। देखिए पीलिंग एंथेम मतलब होता है गीत, जो जोर जोर आवाज में गीत गाई जाती है, और प्रेज मतलब यही प्रशंसा करना, गूंज होता है। तो पोएट ये कह रहा है कि किसी की ये जो झूठी प्रशंसा है, जो झूठी तारीफ है, जो जोर जोर से गीत गाकर सुनाया जा रहा है, तो इससे ये जो मरे हुए किसान है जीवित नहीं हो सकते, मतलब दोबारा से जिंदा होकर अपनी ये तारीफ नहीं सुन सकते। पोएट का ये कहना है कि जिंदा होते हैं तो लोग नहीं तारीफ करते, मर जाते हैं तो लोग तारीफ करते हैं। तो यही बात है पोएट के कहने का, मतलब कि मतलब अब ये जो झूठी प्रशंसाएं, जोर जोर से आवाज में गीत जो गाई जा रही है, अब इनको सुनने के लिए वो किसान दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता। अब देखिए कैन स्ट्रॉइड ऑन और एनिमेटेड बॉस। देखिए एनिमेटेड बॉस्ट मतलब होता है कि सजीव मूर्ति, और कैन स्ट्रॉइड मतलब होता है अस्थि कलश, जिसमें अस्थियां रखी जाती हैं। तो पोएट ये कह रहा है कि अस्थि कलश को तुम कितनी भी सजावट कर लो, यानी अस्थि कलश को कितना भी सजा लिया जाए, उनमें दोबारा से मृत के प्राण वापस नहीं आ सकते। मृत जो मर चुका है, इस कलश में उसकी अस्थियां हैं, तो अब दोबारा से वो जिंदा नहीं हो सकता, चाहे तुम इस कलश को कितना भी सजा लो, अब वो मर चुका तो मर चुका। और फिर पॉइंट कहता है कि जो चापलूसी से भरे हुए भाषण हैं, जो लोग चापलूसी से भरे हुए भाषण दे रहे हैं, तो इनको सुनने के लिए भी अब जो मृत व्यक्ति है वो लौटकर कभी नहीं आएगा। तो यानी इस स्टैंजा में पॉइंट ने क्या बताया कि उन्हें बस मकबरा नहीं बनवाया, उन्हें ऐसे ही कब्र में दफना दिया, और ये जो झूठे गीत गाए जा रहे हैं जोर जोर सी आवाज में, तो उन्हें सुनने के लिए मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं होगा। तुम चाहे उसके अस्थियों के कलश को कितना भी सजा लो, उसमें कभी फिर से प्राण वापस नहीं आएंगे, और चापलूसी से भरा हुआ ये जो भाषण है, उसको सुनने के लिए कभी मृत व्यक्ति वापस लौटकर नहीं आएगा। अब आ जाइए अपने अगले स्टैंजा पे, ये सेवेंथ स्टैंजा है आपका। ये परहैप्स इन दीज नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड सम हॉट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, Hence that the road of empire might have swayed or waved to accept the living lyre, but knowledge to their eyes her ample page, rich with the spoils of time, did never unroll chill peonry, repressed their noble rage, and froze the genial current of the soul. देखिए नेग्लेक्टेड स्पॉट मतलब है कब्र, और हर्ट मतलब है कि यहाँ पे जो हर्ट है, यहाँ पे उसका मतलब व्यक्ति से है, यानी पर्सन व्यक्ति, और प्रेग्नेंट यहाँ मतलब है कि प्रेरित है, प्रेरित करना, इंस्पायर। और देखिए सेलेस्टियल फायर का मतलब है कि जिन्हें ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो। और फिर देखिए स्वेड है, यहाँ पे स्वेड देखिए, स्वेड मतलब शासन करना। और देखिए यहाँ पर है एक्सेटी, तो एक्सेटी मतलब होता है ज्ञान। देखिए एम्पल पेज का मतलब है यहाँ पर व्यापक ज्ञान।
और देखिए अनरोल, अनरोल मतलब है खोलना, और चिल मतलब है उत्साह, और फ्रोज मतलब है हतोत्साहित करना, और यहाँ पे जेनियल करेंट मतलब है योग्यता। अच्छा मीनिंग तो आपको मैंने बता दी, अब थोड़ा इसको देखिए यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है। देखिए पोएट कह रहा है कि जो इन कब्रों में दफन है, जो इन कब्रों में, क्योंकि पोएट कब्रिस्तान में बैठा हुआ लिख रहा है इस इलेजी को, तो पोएट ये कह रहा है कि देखिए निग्लेक्टेड स्पॉट मतलब मैंने आपको बताया कि कब्र, और हार्ट मतलब व्यक्ति, तो यहाँ पर इस कब्रों में जो भी व्यक्ति के शव दफन हैं, तो उन्हें ईश्वर की यानी कि सेलेक्टियल फायर यानी उन्हें ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त थी, उनमें मतलब इतनी अधिक योग्यता थी कि वो राजदंड लेकर शासन कर सकते थे, यानी कि स्वेड मतलब मैंने आपको बताया शासन करना, तो मतलब उन्हें ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त थी, अगर वो जिंदा होते तो उनमें इतनी योग्यता थी कि वो अच्छा शासन कर सकते थे। फिर पोएट कहता है कि यदि उन्हें अच्छा मौका मिलता तो वो महान सिंगर बन सकते थे, यानी संगीतज्ञ बन सकते थे, जो गीत गाते हैं सॉन्ग गाते हैं सिंगर, वो सिंगर बनकर लोगों के हृदय को विचलित भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो लोग तो अनपढ़ जाहिल जब थे तभी मर गए। तो पोएट यही शोक मना रहा है कि अगर वो जिंदा होते तो उनके अंदर इतनी योग्यता थी कि वो मतलब अच्छा शासन भी कर सकते थे और महान सिंगर बन के लोगों के हृदय को विचलित भी कर सकते थे, क्योंकि वे ज्ञान से वंचित थे और समय का खजाना उनके सामने नहीं खोला गया था, यानी अगर समय का खजाना उनके सामने खोला गया होता तो आज वो लोग क्या होते, शासन कर सकते, संगीतज्ञ बन सकते थे, मगर अभागी गरीबी ने उनके उत्साह को ठंडा कर दिया था। यानी अभागी गरीबी का मतलब कि उनकी किस्मत में गरीबी ही थी और उनके मतलब उन्हें इसी तरह से मौत आ गई, उनकी जो योग्यता थी उसको कुचल दिया गया और वो लोग मर गए, इसी तरह से वो पिछड़े ही रह गए, गरीब रह गए, अनपढ़ ही रह गए। अगर उन्हें अपनी जिंदगी में मौका मिला होता तो वो बहुत आगे जा सकते थे, पोएट का यही कहना है। देखिए अगर कोई गरीबी में ही मर जाए तो ये कहा जाता है ना कि मर गया अगर जिंदा होता तो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, तो पोएट इसी तरह उन गरीब किसानों को भी कह रहा है कि अगर वो जिंदा होते तो क्या से क्या कर सकते थे, उनके अंदर इतनी योग्यता थी मगर वो लोग मर गए, उनकी योग्यता कुचल दी गई और वो अनपढ़ और पिछड़े ही रह गए। देखिए आपका आठवां स्टैंजा है फुल मेनी अ गेम ऑफ प्यूरेस्ट रेस सेरेनी। देखिए फुल मेनी मतलब होता है अनेक यानी ज्यादा, ए गेम ऑफ प्यूरेस्ट रेस सेरेनी मतलब होता है सच्चे मोती यानी अनेक सच्चे मोती, द डार्क अनफैथमेड केव्स ऑफ ओशियन बियर। देखिए डार्क मतलब यहाँ पे अननोन यानी अज्ञात से है जिन्हें जो जाना न जाए, और अनफैथमेड मतलब होता है अज्ञात अनमीजर्ड जिन्हें मीजर न किया जा सके, बियर यानी रखना। फुल मेनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। देखिए उसके बाद है एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर। देखिए यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि जो समुद्र की यानी ओशियन की, समुद्र की अज्ञात जो गुफाओं में अनेक सच्चे मोती छिपे पड़े हैं, क्योंकि समुद्र में जो गुफाएं हैं उनका पता नहीं है, उन्हें हम मीजर नहीं कर सकते, वो अनफैथमेड हैं तो हम उन्हें मीजर नहीं कर सकते, तो उनकी गुफाओं में अनेक सच्चे मोती क्या है छिपे हुए हैं, और जब वो सच्चे मोती छिपे हुए हैं तो इसलिए उन्हें कोई नहीं जानता है, इसीलिए वो क्या है उपेक्षित है, और इस प्रकार जो है अनेक फूल रेगिस्तान में खिलकर मुरझा जाते हैं, यानी कि एंड वेस्ट। देखिए फुल मेनी ऑफ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, और देखिए एंड वेस्ट यानी कि मुरझा जाते हैं इस स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर, यानी कि रेगिस्तान में अनेक फूल क्या है खिलकर मुरझा जाते हैं, उनके रूप एवं गंध की प्रशंसा करने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से समुद्र के अंदर अज्ञात गुफाएं हैं और उनमें सच्चे मोती हैं जिसको कोई नहीं जान पाता, तो उसी तरह रेगिस्तान में कितने फूल भी खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, तो देखिए जब फूल खिलते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है और कितने खिले खिले फूल कितने अच्छे लगते हैं, तो पोएट यही कह रहा है कि वो फूल मुरझा भी जाते हैं खिलकर, लेकिन उनकी तारीफ करने वाला कोई मौजूद नहीं होता।
देखिए नवा आपका स्टैंजा है, सम विलेज हैम्पडेन दैट विद डॉन्टलेस ब्रेस्ट द लिटिल ट्रेंड ऑफ हिज फील्ड विद स्टूड सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हेयर मेनी रेस सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। देखिए स्टूडेंट्स, इस नाइन्थ वाले स्टैंजा में पोएट जो थॉमस ग्रे है वो कल्पना कर रहा है, किन लोगों के लिए कल्पना कर रहा है, इस गांव के लोगों के लिए कल्पना कर रहा है कि जो इस गांव के किसान मर चुके हैं, अगर वो जिंदा होते तो इनमें से कुछ हैम्पडन की तरह देशभक्त बन जाते। देखिए यहाँ पर उन्होंने हैम्पडन का एग्जाम्पल लिया कि अगर कुछ किसान जिंदा होते तो वो हैम्पडन की तरह एक महान देशभक्त बन जाता, अगर कुछ इसमें से किसान जिंदा होते जो मर चुके अगर उन्हें मौका मिला होता तो वो जॉन मिल्टन की तरह महान कवि बन सकता था। और उन्होंने फिर तीसरा एग्जांपल लिया क्रोमवेल का कि अगर ये किसान जिंदा होते तो इनमें से कुछ क्रोमवेल की तरह महान नेता महान स्वतंत्रता सेनानी बन जाता। तो देखिए इस स्टैंजा में थॉमस ग्रे ने तीन लोगों का एग्जाम्पल लिया इन किसान वालों के लिए, इन गरीब किसानों के लिए जो मर चुके हैं कि अगर ये ज़िंदा होते इन्हें अपनी लाइफ में मौका मिला तो ये हैम्पडन की तरह देशभक्त जॉन मिल्टन की तरह कवि और क्रोमवेल की तरह महान नेता बन सकते थे। देखिए द एप्लॉज ऑफ लिसनिंग सिनेप्स टू कमांड। देखिए अप्लॉज मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ करना और सिनेप्स टू कमांड का मतलब होता है सभासद। The theaters of pain and ruin the despise। देखिए theater of pain and ruin to despise मतलब होता है प्रभावशाली भाषण, यानी बहुत प्रभावशाली भाषण देना। To extract plenty over the smiling land। देखिए to extract plenty over a smiling land का मतलब होता है सामान्य लोगों का कल्याण करना। And read their history in a nation's eyes। देखिए रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशंस आइज का मतलब होता है लोगों द्वारा कृतज्ञ प्रदर्शन। उसके बाद देखिए देयर लॉट फॉरबेड नॉट सर्कमस्क्राइब्ड अलोन। देखिए देयर लॉट का मतलब होता है भविष्य और फॉरबेड मतलब होता है प्रतिबंधित और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब होता है लिमिटेड या सीमित होना, एक जगह तक सीमित होना, अलोन मतलब अकेला। देयर ग्रोविंग वर्च्यूज, देखिए देयर ग्रोविंग वर्च्यूज बट देयर क्राइम्स कन्फाइज। देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको ऊपर से बताती हूँ आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर पोएट ये कह रहा ना कि ये जो गांव वाले हैं इनको कभी मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला, मतलब किसी भी सभासद की बैठक में बैठने का मौका ही नहीं मिला। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, टू स्ट्रक्चर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि सामान्य लोगों का कल्याणकारी, यानी कि अगर इन्हें भी मौका मिलता तो ये लोग भी एक प्रभावशाली भाषण दे सकते थे जिससे क्या होता कि जो सामान्य लोग हैं उनका कल्याण हो सकता था, लेकिन इन गरीब किसानों को कभी प्रभावशाली भाषण देने का मौका ही नहीं मिला और इन्हें मौत आ जाती है उससे पहले ही। अगर इन्हें मौका मिला होता तो ये लोग भी प्रभावशाली भाषण दे सकते थे, लोगों का कल्याण कर सकते थे। Their Lord forbade not circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confines forbade to wait throats or slaughters to a throne and shut the gates of mercy on mankind। देखिए यहाँ पर पोएट ये कहता है कि अगर इन्हें मौका मिला होता तो ये प्रभावशाली भाषण दे सकते थे, अच्छा भाषण दे सकते थे, लेकिन ये जो इनके जिंदगी में गरीबी थी, ये जो मृत किसान है जो मर चुके हैं उनके जिंदगी में ये जो गरीबी थी, उन्होंने इस गरीबी ने उन्हें उन्नति के सारे मार्ग रोक दिए थे, यानी इनके आगे बढ़ने के जितने भी रास्ते थे उनकी गरीबी ने उन्हें रोक दिया था और इन्हें कभी इस तरह का मौका नहीं मिला कि वो लोग आगे बढ़ पाते। और देखिए फिर पोएट कहता है कि और इन्होंने यानी इन गरीब किसानों ने कभी भी आगे बढ़ने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए खून खराबे का भी रास्ता नहीं आजमाया कि खून खराबा करके, देखिए यहाँ पे क्राइम्स दे रहे ना, बट देयर क्राइम्स कॉन्फाइन, यानी कि उन्होंने कभी भी खून खराबे का रास्ता नहीं आजमाया खुद को आगे बढ़ाने के लिए, और शासन करने के लिए इन्होंने क्रूरता का भी प्रयोग नहीं किया, इन्होंने हमेशा मर्सी दिखाई।
तो इस तरह पोएट क्या बता रहा है कि इन्होंने हमेशा मर्सी दिखाई लोगों के लिए, इन्हें मौका नहीं मिला इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाए और इनकी गरीबी ने इन्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोक दिया और इन्हें मौत भी आ जाती है, इससे पहले ही आगे भी नहीं बढ़ पाते और इस कब्र में दफन हो गए हैं। अब देखिए आपका 11th स्टैंजा है, द स्ट्रगलिंग स्पैंक्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इनगेनियस शेम और हीव द श्रेन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस कैंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इन इग्नोबल स्ट्राइफ देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वैल्यू ऑफ लाइफ दे कीप द नॉसलेस ट्रेनर ऑफ देयर वे। आप देखिए इस स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, किसानों की ही बात करता है, गरीब किसानों की ही बात करता है कि देखिए स्ट्रगलिंग पैंक्स ऑफ कॉन्सियस ट्रूथ ट्रूथ का मतलब होता है कि मानसिक द्वंद, यानी कि ये जो किसान थे मानसिक द्वंद से क्या थे, एकदम फ्री थे, मुक्त थे। हाँ देखिए यहाँ पे पोएट कह रहा है कि मतलब ये गलत जो किसान थे गरीब किसान कभी भी गलत कार्य करके ये खुशी होने का इरादा नहीं रखते थे कि हम गलत कार्य करके खुश होंगे। और देखिए यहाँ पे लग्जरी एंड प्राइड का ये मतलब है कि विलासी जीवन, जो ये लग्जरी लाइफ होती है, तो पोएट ये कह रहा है कि इन्होंने विलासी जीवन बिताने के लिए कभी भी राजसी भवन नहीं बनवाए, यानी बड़े बड़े महल नहीं बनवाए जिसमें वो लग्जरी लाइफ गुजारते, इन्होंने छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार दी। फिर देखिए पोएट कहता है कि इन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग चाटुकारिता के लिए नहीं किया, चालाकियों के लिए नहीं किया, ये सांस्कृतिक लोगों के बुरे कार्यों से दूर थे और देखिए इनकी जो आवश्यकताएं थी, इनकी जो जरूरतें थी वो एकदम सीमित थी। देखिए देयर सोबर विशेज नेवर लर्न टू स्ट्रे, देखिए सोबर विशेज मतलब होता है सीमित आवश्यकताएं, यानी कि बहुत कम आवश्यकताएं थी, मतलब जरूरत जितनी थी उतनी ये लोग आवश्यकताओं की उतनी ही ख्वाहिश रखते थे, ये नहीं कि मतलब औकात नहीं है उतनी तो बड़े बड़े ख्वाब देखे, बड़े बड़े भवन का ख्वाब देखे, तो इन किसानों ने कभी भी राजसी भवन के ख्वाब नहीं देखे, ना ही ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा, इन्होंने अपनी आवश्यकताओं को बस अपने हिसाब तक सीमित रखा। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वैल्यू ऑफ लाइफ, देखिए अलोंग द कूल का मतलब होता है कि जो जिंदगी की भाग दौड़ है दुनिया में, जो भाग दौड़ है उनकी लाइफ इन सभी से मुक्त थी, इन्होंने खुद को कभी इसमें भगाया दौड़ाया नहीं। दे कीप द नॉइसलेस ट्यूनर ऑफ देयर वे, उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी में, अपने रास्ते में, अपनी जिंदगी में खुद को हमेशा शांत जीवन ही गुजार दिए और उसी में वो लोग खुश थे, संतुष्ट थे, यानी इनके ऐसे बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे, लग्जरी लाइफ के ख्वाब नहीं थे, छोटी सी झोपड़ी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। देखिए येट इवन दिस बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, देखिए यहाँ पर पोएट ये कह रहा है दिस बोन्स यानी कि ये जो शव है किसानों के, जो शव है बोन्स यानी उनके जो शव है, फ्रॉम इंसल्ट यानी अपमानित होने से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब बचाने के लिए, सम फ्रेल मेमोरियल स्टील इरेक्टेड नी, यानी कि देखिए फ्रेल मेमोरियल मतलब कच्ची कब्र, यानी कि स्टिल मतलब हमेशा, देखिए स्टिल मतलब होता है हमेशा और इरेक्टेड मतलब बनाना। तो देखिए यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि ये जो किसानों के मृत शरीर हैं, जो शव हैं, उनको इंसल्ट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए फ्रेल मेमोरियल यानी कि कच्ची कब्र, स्टिल यानी हमेशा, इरेक्टेड मतलब बनी हुई, कच्ची कब्र में ही उनको मतलब अपमानित होने से बचाने के लिए कच्ची कब्र में ही उन्हें दफना दिया गया। विथ अनकॉथ राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डेट, देखिए शेपलेस स्कल्पचर मतलब होता है साधारण कब्र, और विथ देखिए अनकॉथ राइम्स का मतलब होता है कि साधारण कविता, और शेपलेस स्कल्पचर मतलब मैंने आपको बताया साधारण सी कब्र, और डेक्ड मतलब होता है सजावट। तो पोएट ये कह रहा है कि ये साधारण सी जो कविता है,
कब्र पर लिखकर उनकी सजावट कर दी गई। यानी पोएट ने जो कविता लिखी उसी से उनके कब्र की सजावट कर दी गई, यानी पोएट ने उन्हें के बारे में सिर्फ इसमें लिखा है। अब देखिए, इम्प्रोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ द ऑफ द सी देयर नेम देयर ईयर्स लेफ्ट बाय द ऑलेटर्स म्यूज। देखिए पोएट ये कह रहा है कि ये जो कब्रें हैं राहगीरों से सहानुभूति की इच्छा करती हैं। यानी ये जो राहगीर यहाँ से जा रहे हैं, आसपास के जो राहगीर हैं, ये जो चल रहे हैं यहाँ पे, उनसे ये कब्रें जो हैं सिंपैथी की मतलब इच्छा करती हैं कि वो उनके मतलब उनके प्रति सिंपैथी दिखाएं। और देखिए मरने वाले का नाम, देखिए यहाँ पे देयर नेम देयर ईयर्स यानी किस साल मरे, मतलब उनके मरने वाले के नाम, उम्र और थोड़ी सी जानकारी उनके कब्र पर लिखी हुई है। द प्लेस ऑफ फेम एंड इलेजी सप्लाई एंड मेनी ए होल टेक्स अराउंड शी स्ट्रीव दैट टीच द रस्टीज मोरलिस्ट टू डाई। देखिए मैंने आपको भी बताया कि उनके कब्रों पे उनकी थोड़ी सी जानकारी, उनकी उम्र, उनके बारे में साधारण सी जानकारी लिखी हुई है। और देखिए यहाँ पे द प्लेस ऑफ फेम एंड इलेजी सप्लाई का मतलब होता है साधारण सी ये जो कविता है। और देखिए एंड मेनी ए होल टेक्स का मतलब है कि बाइबल की पंक्ति। और फिर देखिए दैट टीच द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई यानी शांति से मरने की प्रेरणा देती है। यानी उनके कब्रों पे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं जो शांति से मरने की प्रेरणा देती है। स्टूडेंट्स देखिए आपके 13 स्टैंजा को हम पढ़ते हैं। देखिए आपकी पोएम थोड़ा लॉन्ग है, बस हम थोड़ा मतलब लास्ट तक पहुंच गए हैं, 17 स्टैंजा है, हम 13 तक तो आ चुके हैं। देखिए अब 13 स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है, फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस ऑफ प्रे। देखिए फॉर हु मतलब सभी, यानी सभी को, टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे का मतलब होता है मौत का शिकार होना। यानी इस दुनिया में सभी को मौत का शिकार होना है, सभी को मौत आनी है, मौत से कोई भी बच नहीं सकता। पोएट यहाँ पर यही कह रहा है और ये हकीकत है और यही दुनिया की सच्चाई है कि मौत सभी को आनी है। दिस प्लीजिंग एंजियस बीइंग इवर रिजाइंड। देखिए दिस प्लीजिंग एंजियस मतलब है खुशी एवं गम, यानी ये जो खुशी एवं गम भरी जिंदगी है, बीइंग इवर रिजाइंड, कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता और मरना नहीं चाहता। देखिए मौत सभी को आनी है ये बात हर कोई जानता है, मगर फिर भी ये खुशी और गमी भरी ये जो जिंदगी है इसे लोग छोड़ना नहीं चाहते और भी जीने की इच्छा करते हैं। देखिए लेट द वार्म प्रेसिंग्स ऑफ द चीयरफुल डे। देखिए यहाँ पर मतलब है कि मौत का स्वागत, यानी कि कोई भी मौत का स्वागत नहीं करना चाहता। और नॉर कॉस्ट वन लॉन्गिंग लाइन रिंग लूप बिहाइंड, यानी हर कोई मरने के समय जीने की इच्छा करना चाहता है, मौत का स्वागत नहीं करना चाहता। यानी जब भी देखिए जब भी इंसान थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, बीमार रहने लगता है, तो ये है कि उसे मौत आनी ही आनी है। मौत तो कभी भी आ सकती है, मगर एक होप होती है ना कि अब ज़ईफ हो गया, बूढ़ा हो गया, तो कमजोर हो चुका है, तो मतलब हर किसी को और भी जीने की इच्छा होती है, कोई भी मौत का स्वागत नहीं करना चाहता। ऑन सम फॉन्ड ब्रेज द पार्टिंग सोल रिलीज। देखिए पार्टिंग सोल का मतलब होता है जो मरने वाला है, रिलीज का मतलब होता है फेथ यानी कि विश्वास, यानी कि उसे विश्वास होता है। देखिए हर मरने वाले के पास ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे उस पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, भरोसा होता है। सम प्योर्स ड्रॉप द क्लोजिंग आईज रिक्वायर्स। देखिए प्योर्स ड्रॉप्स का मतलब है कि सच्चे आंसू, यानी जो सच्चे आंसू आंखों से गिरते हैं। द क्लोजिंग आई यानी जो मरने वाला है, मरने वाले के मौत पर, मतलब मरने वाला यही रिक्वायर करता है, यही उम्मीद रखता है जो मरने वाला है कि जो उसके प्रिय हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसके मरने पर सच्चे आंसू रोएं, यानी वो उन्हें मतलब रोएं, उनका शोक मनाएं, अपने करीबी के मरने का शोक मनाएं, हर मरने वाला यही चाहता है। इवन फ्रॉम द टॉम्स द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, इवन इन अवर एशेज लीव देयर वांटेड फायर्स। देखिए ये लोग यानी कि जिसे अपनी जिम्मेदारियां सौंप गया था, क्योंकि हर मरने वाले को अपने किसी पर भरोसा होता है
और जाने से पहले जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने भरोसेमंद इंसान को सौंप जाता है। तो ये जो भरोसेमंद लोग हैं, जब वो लोग उसकी कब्र को देखते हैं और उनके सपनों में भी उन्हीं का ध्यान आता है और उनके कब्र को जब वो देखते हैं तो उन्हें पूरा करने की याद दिलाती है कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारियां मरने वाला देकर गया था। तो जब वो उनकी कब्रों से गुजरते हैं या उनकी कब्र पर जब जाते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि जब ये मर रहा था तो उसने मुझे कौन सी जिम्मेदारी देकर गई थी और मुझे क्या करना है। अब देखिए अगला स्टेंजा है आपका, फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड। देखिए यहाँ पर फॉर दी का मतलब है पोएट, कवि के लिए यहाँ पर फॉर दी का यूज हो रहा है। कवि यहाँ पर खुद को कह रहा है कि, यानी कवि अपने लिए कह रहा है, यहाँ पर ग्रे को ही समझिए। देखिए माइंडफुल का मतलब है सोचना, सोचने वाला। ऑफ द अनऑनर्ड डेड का मतलब यहाँ पर पोएट अपने लिए यूज कर रहा है कि जब वो, पोएट को ये ख्याल आ जाता है कि जब वो मर जाएगा तब उसका ख्याल करने वाला, उसके बारे में सोचने वाला कौन होगा, कौन उसके बारे में सोचेगा। डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर प्लेस टेल रिलेट। देखिए यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं आप, डोस्ट इन दीज लाइन्स, यानी इन लाइन्स में देयर आर प्लेस टेल रिलेट। देखिए इस लाइन में ना पोएट अपने आप को ही रिफर कर रहा है कि अगर पोएट मर जाएगा, पोएट नहीं होगा तो कौन उसके बारे में सोचेगा, कौन उसे याद करेगा। इफ चांस बाई लॉनली कॉन्टेप्लेशन लेड। देखिए इफ चांस मतलब अचानक, बाई लॉनली कॉन्टेप्लेशन मतलब होता है सोचना। तो देखिए यानी अचानक किसी कोई सोचेगा, सम किंडर्ड स्पिरिट शॉल इंक्वायर बाई फेट हैप्पली सम हॉरी हेडेड स्वेन में से ऑफ हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप द ड्यूज अवे टू मीट द सन अपॉन द अनप्लेन्ड लॉन। देखिए यहाँ इस स्टैंजा में पोएट ने खुद के बारे में लिखा है कि देखिए पोएट ये यहाँ पे तो यही बता रहा है कि उसके बारे में कौन सोचेगा। पोएट को इस बात का भय था कि उसके बारे में कौन सोचेगा। तो देखिए अचानक किसी सज्जन व्यक्ति को ना उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। किसके बारे में? कवि के बारे में, थॉमस ग्रे के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो कोई व्यक्ति या जानकारी देता है कि मतलब हर सुबह कवि जल्दी जल्दी सो जा जल्दी जल्दी इस कवि को जाते हुए देखता था। देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं पोएट कि जब वो मर जाएंगे तो उनके जानने के बारे में कौन सोचेगा, कौन उन्हें याद करेगा। तो इसलिए पोएट कहते हैं कि कोई व्यक्ति उनसे कहेगा, मतलब जिनको जानने की इच्छा हुई होगी पोएट के बारे में, तो उनसे कोई कहेगा कि मतलब वो सुबह सुबह कहाँ जाते थे, अपना दिन कहाँ पर गुजारते थे। तो इसी तरह से पोएट बता रहे हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी जाते हुए देखा था। शाम को कवि एक खाली स्थान पर जंगल में बैठा दिखाई देता था। तो पोएट का यही कहने का मतलब है कि उन जगह पे मुझे कौन जाकर देखेगा। तो देखिए अगर किसी को किसी का ख्याल होगा ना स्टूडेंट्स, तो वो यही सोचेगा अगर उन्हें वो इंसान रोज एक जगह पे नजर आए और एक दो दिन लगातार फिर कुछ दिन तक नजर ना आए, तो हर देखने वाला जो रोज उसे देखेगा तो वो सोचेगा यार ये रोज दिखता था, अब क्यों नहीं दिख रहा है, आखिर अब क्या माजरा है उसके साथ, अब नहीं दिख रहा है। तो उसके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं ना कि आखिर वो है या नहीं है या गुजर गया। तो ठीक इसी तरह पोएट यहाँ पे खुद के बारे में बता रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इस जो आप इस स्टैंजा ये देख रहे हैं, इस स्टैंजा में पोएट ये भी कहता है कि पोएट को देखिए ये भय हो जाता है कि मतलब उसके मरने पर उसके बारे में कौन सोचेगा। तो पोएट ही लिखता है कि एक सज्जन व्यक्ति को उसके बारे में, यानी कवि के बारे में जानने की इच्छा होगी और वो उसे जानना चाहेगा, उसे देखना चाहेगा, उसे ढूंढना चाहेगा कि वो अब कहाँ गया। तो वो उसे उसी जगह पर जाकर ढूंढेगा। कौन ढूंढेगा? वो सज्जन व्यक्ति ढूंढेगा कवि को, उन्हीं जगहों पे जाकर जहाँ जहाँ पोएट अपना दिन, अपना शाम, अपनी रात गुजारे करते थे। देखिए 15 वाला स्टैंजा, देयर एट द फुट ऑफ यंडर नॉडिंग बीच। देखिए बीच यहाँ पर है एक मतलब जंगली वृक्ष है एक बीच, उसके बारे में पोएट लिख रहा है। दैट ब्रेथेस इट्स ओल्ड फैंटेस्टिक रूट्स सो हाई हीट His littlest length at noon tide would be stretched. देखिए स्ट्रेच मतलब यहाँ पर है विस्तार। And pour upon the brook that bubbles by. देखिए पोर मतलब यहाँ से ध्यान से देखना,
बेबल्स बाई का मतलब है बहना। एंड देखिए हार्ड बाई योन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न मल्टीनिंग हिज वे वर्ड फैंसीज ही वुड रोव। देखिए रोव मतलब है टहलना। नाउ ड्रुपिंग, ड्रुपिंग मतलब है झुकना। वूफुल मैन लाइक वन फोरलॉर्न और क्रेज्ड विद केयर और क्रॉस्ड इन होपलेस लव। देखिए यहाँ पर अब पोएट यही बता रहे हैं। देखिए इससे पहले स्टेंजा में मैंने आपको बताया कि पोएट ये कह रहा है कि एक सज्जन व्यक्ति को उसके बारे में जानने की इच्छा हो जाती है तो वो उसे ढूंढेगा। अब कौन कौन सी जगह ढूंढेगा, देखिए ग्रे ने ये लिखा है कि दूर जंगली वृक्ष के नीचे वो बैठते थे। कौन बैठता था, बीच एक है जंगली पेड़ है तो इसी पेड़ के नीचे ग्रे बैठा करते थे तो वो व्यक्ति उनको उन्हीं पेड़ के नीचे देखने जाएगा। उसके बाद इस वृक्ष की ऊंची जड़ें सुंदर लगती थी। दोपहर का समय वह नदी के पास के नदी के बहाव को देखते हुए बिताता था। देखिए वो सज्जन व्यक्ति यही कहेगा कि वो पहले इस पेड़ के नीचे बैठा करता था और उस पेड़ की जो मतलब जड़ें थी वो काफी ऊंचा पेड़ था सुंदर सा, और दोपहर का समय ग्रे नदी के बहाव को यानी बहती हुई नदी को देखकर गुजारता था और वह दूर जंगल में टहला करता था। तो और देखिए नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, और कभी कभी क्या है वो मुस्कुराता रहता था और कभी कभी विचारों में खो जाया करता था। यानी देखिए वो एक ऐसा व्यक्ति था जैसे एकदम दुखी हो व्यक्ति हो, एकदम दुख में रहने वाला व्यक्ति था, ये सब वो सज्जन व्यक्ति कहेगा। देखिए यहाँ पे सब चीजें पोएट अपने बारे में लिख रहे हैं मगर एक सज्जन व्यक्ति से मतलब सज्जन व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि जब सज्जन व्यक्ति पोएट को ढूंढेगा तो इसी तरह से बताएगा कि वो पेड़ के नीचे बैठते थे, फिर दोपहर का टाइम नदी के पानी को बहता हुआ देखकर गुजारते थे, वो उसी दूर जंगल में जाकर टहला करते थे और कभी वो मुस्कुराया करते थे और कभी कभी विचारों में खो जाते थे और कितनी देर देर तक वो विचारों में खोए रहते थे। और देखिए जो थॉमस ग्रे थे वो एक ऐसे पोएट थे जो बहुत ज्यादा दुखी पोएट थे और इन्होंने इलेजी ज्यादा लिखी, इन्हें एक शोक गीत का पोएट ही जाना जाता है। तो देखिए ऐसा लगता था मानो इनको देखकर ऐसा लगता था जैसे इन्हें प्रेम में रिजेक्ट कर दिया गया हो, यानी इनका जो प्यार था इसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया होगा, उनको देखकर ऐसा लगता था इसी वजह से ये एकदम दुखी रहा करते थे। ये आपका 16th वाला स्टैंजा, वन मोर आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टोम्ड हिल अलॉन्ग द हेथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री। देखिए इससे पहले वाले में स्टैंजा में क्या था कि वो पोएट ने लिखा कि किस तरह एक सज्जन व्यक्ति ढूंढेगा और हर उस जगह पे ढूंढेगा जहां जहां थॉमस ग्रे अपने टाइम को स्पेंड किया करते थे। तो अब देखिए इस स्टैंजा में वन मोर आई मिस्ड हिम, मैं उसे मिस कर रहा हूँ ऑन द कस्टम्ड हिल। देखिए कस्टम्ड हिल मतलब ऐसा वो जगह जहां पर वो मतलब टहला करते थे तो वहां पर उनको देखेगा तो पोएट वहां पर भी नहीं है जिस पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे, नहीं यहाँ पे वो टहला करते थे। अलोंग द हेथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, और फिर उनको देखेगा उस जगह पे, उस जगह के पास जो उनका फेवरेट सबसे पसंदीदा ट्री था जिसके नीचे वो बैठा करते थे तो वो उस पेड़ के नीचे भी दिखाई नहीं देते। अनदर कम, और दूसरे दिन नॉट येट बिसाइड द रिल। देखिए रिल मतलब होता है नदी। अनदर डे यानी कि अगले दिन, मतलब देखते हैं कि वो जो नदी के मतलब अपने दोपहर का टाइम ग्रे कहाँ पर गुजारते थे, नदी के बहते हुए पानी को देखकर गुजारते थे तो वो आदमी देखते हैं कि वो नदी के पास भी नहीं है, यानी ग्रे हर जगह जहां जहां वो रहते थे हर जगह देख रहे हैं वो वहां पर भी नहीं है। नॉर ऑफ द लॉन नॉर एट द वुड वॉज ही। देखिए द नेक्स्ट डे विद डिग्रीज ड्यू इन सैड एरी स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ वी सा हिम बॉर्न अप्रोच एंड रीड फॉर दाउ कॉन्स्ट्रीट द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनेथ योन एज्ड थ्रोन। देखिए अब यहाँ पे पोएट लिख रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति उन्हें ढूंढेगा
मतलब कि आप ये कहाँ गए, तो देखिए जो उनका जो जिस पहाड़ी के पर वो जाके टहला करते थे वो वहां पर भी नहीं दिखे, और उनका जो सबसे फेवरेट पेड़ था उसके नीचे भी वो दिखाई नहीं दिए, और अनदर डे यानी अगले दिन वो उस नदी के पास भी नहीं दिखाई दिए, जो नदी उनकी प्रिय नदी थी जहाँ पर वो अपना दोपहर का वक्त गुजारते थे, और जंगल या मैदान में भी वो नहीं थे जहाँ पर वो टहला करते थे। द नेक्स्ट डे, देखिए अगले दिन क्या होता है, विलाप करते हुए, शोक मनाते हुए, शोक वस्त्रों में कुछ लोग मतलब कब्रिस्तान में एक व्यक्ति को लेकर जाते हैं दफनाने के लिए। वो सज्जन व्यक्ति देखता है कि कुछ लोग शोक मनाते हुए, विलाप करते हुए एक मतलब व्यक्ति को मतलब कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं दफनाने के लिए, तो वो देखते हैं कि दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं और किसी को उसमें ले जाकर दफना देते हैं। तो यहाँ पर पोएट किसके बारे में लिख रहा है, अपने बारे में ही लिख रहा है, क्योंकि पोएट को पहले भय होता है कि उसके बारे में कौन सोचेगा उसके मरने के बाद। फिर उसके अगले स्टेंजा में बताया कि एक सज्जन व्यक्ति उसे ढूंढेगा और हर उस जगह ढूंढेगा जहां जहां पर पोएट अपने अपने लाइफ को स्पेंड करता था, अपनी जिंदगी को गुजारता था, जहां पे टहला करता था, जहां पे अपने दिन रात गुजारता था। और उसके अगले स्टेंजा में पोएट ने लिखा कि वो व्यक्ति अब उन्हें ढूंढेगा हर उस जगह पे, नदी के पास, जंगल में, मैदान में, जहाँ पे वो टहला करते थे, तो हर जगह पोएट नजर नहीं आते हैं। तब वो लिखते हैं कि कुछ लोग शोक मनाते हुए एक व्यक्ति को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, तो पोएट अपने को ही लिखते हैं कि वो व्यक्ति मुझे ही देखता है कि मुझे दफनाने के लिए लेकर कोई मतलब दफनाने के लिए लोग लेकर कब्र में जा रहे हैं। अब देखिए आ जाते हैं आपके लास्ट स्टेंजा पे, देखिए आपका लास्ट स्टेंजा है एपिटाफ। देखिए एपिटाफ होता है स्टूडेंट्स, कब्र के ऊपर जो लेख लिखा होता है शिला लेख, उसे एपिटाफ कहते हैं। तो अब इस स्टेंजा में पोएट अपने ही एपिटाफ की बात करता है कि अगर वो मर गया, उसे दफना दिया गया, तो कब्र के, आप लोग देखे होंगे टीवीज वगैरह में, मूवीज सीरियल में, कि लोगों की कब्रिस्तान में जब आप लोग जाते हैं तो कब्र के ऊपर उनका नाम लिखा होता है, उनके बारे में लिखा होता है, उनकी मृत्यु लिखी होती है कि कब हुई। तो अपने ही एपिटाफ के बारे में पोएट अब इस स्टैंजा में लिख रहा है, हियर रिसेस्ट ही इज लेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। देखिए अब इस पंक्तियों में पोएट कल्पना कर रहा है कि जो उसकी कब्र में शिला लेख लिखा होगा, तो वो लिखा होगा कि इस कब्र में, यानी कि इस कब्र में धरती की गोद में एक नौजवान आराम कर रहा है, लैप यानी गोद ऑफ अर्थ, यानी इस धरती की गोद में एक नौजवान आराम कर रहा है, यानी जिस कब्र में कभी सोया होगा वो उस कब्र में अपने आप को लिख रहा है कि आराम कर रहा है, और अपने एपिटाफ पर लिख रहा है कि उनके शिलालेख पर यही लिखा होगा कि इस धरती की गोद में एक नौजवान आराम कर रहा है। देखिए ए यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, फॉर्चून मतलब होता है सक्सेस और फेम मतलब है ऑनर्स या सम्मान। तो अब पोएट लिख रहा है कि सफलता और सम्मान उसने अपने जीवन में कभी पाया ही नहीं। फेयर साइंस फॉरवर्ड नॉट ऑन हीज हम्बल बर्थ एंड मिलानकोली मार्क हिम फॉर हर ओन, लार्ज वॉज हीज बॉन्टी एंड ही सोल सिंसियर हिवन डीड ए रिकॉन्सपेंस एज लार्जली सेंड ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड ए टीयर ही जेंड फ्रॉम हिवेन इट वॉज ऑल ही विज्ड ए फ्रेंड नो फर्दर सीक हीज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉन हीज फ्रेरिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अवॉर्ड देयर दे आर लाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज द बोजम ऑफ हीज फादर एंड हीज गॉड। देखिए यहाँ पर अब ये अपने एपिटाफ के बारे में बताएगा क्या क्या लिखा होगा। देखिए पोएट बता रहा है कि एक नौजवान धरती की गोद में आराम कर रहा है और वो सफलता और सम्मान कभी उसने अपने जीवन में पाया ही नहीं, अपने आप को ही कह रहा है, और ज्ञान की उसमें कमी नहीं थी, यानी ज्ञान तो उसमें बहुत था, अपने आप को ही कह रहा है, ज्ञान को उसकी गरीबी से कोई नाराजगी नहीं थी, जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी, यानी कि इस नौजवान के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी, और उसकी विशाल हृदय से दूसरों के प्रति उदार एवं सहायक बना दिया था, उसके गुण जो थे और उसकी जो कमजोरियां थी
उसको और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद वह ईश्वर के हृदय में अपनी जगह बना चुका है, मतलब मरने के बाद उसे ईश्वर के हृदय में अब जगह मिल चुकी है। तो बता रहा है कि यही उसके एपिटाफ पर, उसके मृत्यु पर जो शिलालेख होता है उस पर यही लिखा होगा। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आपकी लंबी सी पोएम अब फिनिश हो चुकी है। बहुत मेहनत की मैंने आपकी इस पोएम के लिए, काफी लंबी पोएम है, तो इसकी काफी रिक्वेस्ट भी मुझे आ रही थी कि मैम इस पर वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैंने कर दी। तो आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और देखिए, आपके सिलेबस में और भी जो पोएम्स हैं उसको मैंने अपलोड कर रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी अपलोड कर रखा है। इस वाली पोएम का मैंने अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करवाया है, तो मैं जल्द ही इसके एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि एग्जाम में किसी भी पोएम से आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया जा सकता है। तो मैं जल्द वीडियो अपलोड करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी होगी, उसको जरूर से देखिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।